दो मिनट आपके लूँगा अंकेश। अब जैसे जैसे लोगों ने अपने मन का इजहार प्रकट किया है, अपनी भावनाएं प्रकट की हैं, तो आप इससे समझ गए होंगे कि देश के अंदर कितना आक्रोश है, कितना दुख है हर एक हर इंसान के दिल में। बेशक कोई भी धर्म का, कौम का, मज़हब का है, कोई भी उम्र का है। आप बच्चों के अंदर भी, मैं स्कूल्स के वीडियोस देख रहा था, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, इतना उनके भावना जाग चुकी है। तो जैसे राजेश जी बता रहे थे कि अभी हम एक भारतीय हो गए हैं, अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो थे 13 फरवरी तक, तो ये बड़ी सही बात है। तो मैं टीवी के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से देशवासियों को मैं एक प्रार्थना उनसे करता हूँ, उनके चरणों में निवेदन करता हूँ कि जो ये मुहिम चली है 14 तारीख के बाद, जो देश इकट्ठा हुआ है, जो हमारा समाज इकट्ठा हुआ है, यही जो प्रेरणा है, यही जो शक्ति है, हमने इसको शक्ति को कम नहीं होने देना है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अगर शक्ति हमारे अंदर कायम रहेगी तो हमारा देश आतंकवाद के साथ, आतंकवाद के खिलाफ इतनी सारी तगड़ी लड़ाई लड़ सकता है कि हिंदुस्तान से क्या, पूरे ग्लोब से, पूरे वर्ल्ड से ही आतंकवाद का नामो निशान मिट जाएगा। यही जो भावना हमारे मन में रहनी चाहिए, और ये रहेगी तो हम पूरा कामयाब होंगे। दूसरा, मैं पाकिस्तान को इस मीडिया से, इस हमारे जो प्रोग्राम यहाँ कर रहे हैं, जो हमने एक ये मार्च निकाला है, या जो हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि है पाकिस्तान के वासियों, वहाँ की आर्मी, वहाँ की ISI, क्योंकि मैं उसकी आर्मी को भी, वहाँ के ISI को भी मैं एक आतंकवादी ही ऑर्गेनाइजेशन समझता हूँ। पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, आतंकवाद नेशन है, ये डिक्लेयर हो चुका है। और हम नहीं बोल रहे, पूरा वर्ल्ड बोल रहा है, UN बोल रहा है, अमेरिका बोल रहा है, और रशिया बोल रहा है। तो मेरे हिसाब से जो ये कांड परसों हुआ है, जो दुख हमारे देश को मिला है, हमारे देश के जो जवानों को शहीद किया गया है, तो ये जवानों की शहीदी है, ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। उनको मुँह तोड़ जवाब देना चाहिए। और पाकिस्तान जो इतना गरीब है, भिखारी है, कटोरा लेके पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है, वो अपना सहयोग मांग रहा है, लेकिन सहयोग कोई दे रहा नहीं और आगे देगा भी नहीं। तो देश ये ख़त्म हो गया है। अब इनको मैं यही बोलता हूँ कि अभी जो पानी का घड़ा है, दूध का घड़ा है, वो भर गया है, पानी हमारे सर से ऊपर चला गया है। तो अभी उनका टाइम आ गया है, उनका इस संसार से। और मैं तो ये बोलता हूँ कि जो नक्शा है ना वर्ल्ड का, उसमें से मेरे को तो लगता है कि पाकिस्तान का नक्शा ही उड़ जाएगा, और ये हिंदुस्तान के साथ ही मिल जाएगा, हिंदुस्तान उस पर, हम हिंदुस्तान ही वहाँ पर राज करेंगे। तो ये पाकिस्तान को बहुत बड़ी चेतावनी, उनको एक वार्निंग दी जा रही है, आप ये रोक दें। आपने रोका नहीं है, रोकेंगे नहीं, आपकी नीयत ही नहीं है, आपकी जो औकात है वही औकात है। और क्योंकि आपके देश में कुछ है ही नहीं, गरीब हैं आप लोग, तो आपको पता है कि हमारा देश मुल्क तरक्की कर रहा है, तो हमारी तरक्की को कैसे रोकना, देश को कैसे तोड़ना। लेकिन है पाकिस्तानियों, हमारा देश टूटेगा नहीं, हमारा देश कतई नहीं टूटेगा, ना टूटा था, ना टूटा, ना अभी टूटेगा, और आगे भी टूटेगा नहीं। हमारा देश एक था, एक है, और हमेशा सदा के लिए, सदियों के लिए एक ही रहेगा। तो आप लोग अपने जो 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 नाकामयाब और जो नापाक आपके जो इरादे हैं, उससे बाज आ जाओ। आपका टाइम आ चुका है, आपको ख़त्म करने का टाइम आ चुका है। हमारे जवानों पे हमको इतना भरोसा है, हमारी जवान, हमारी आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और नेवी आपको ख़त्म कर देगी, आपको तबाह कर देगी। ये आप सोच के रखना, और आप अपने आप को संभालें। आप इस संसार से आप अलविदा कहने वाले हैं, आपका नक्शा निकल जाएगा और पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा नहीं। ये आपको चेतावनी दे रहे हैं ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फंड की तरफ से, हम आपको चेतावनी फिर से दे रहे हैं, आप समझ जाइए। और बाकी अब यहाँ पर हम ये प्रोग्राम ख़त्म करेंगे, और हम फिर ये चाहते हैं कि जिस हिसाब से आप लोग यहाँ आए हैं इतने दूर दूर से, मैं थैंक्स नहीं करूँगा, क्योंकि पहले मैंने बताया ये हमारा फ़र्ज़ है, हर नागरिक का, हर हिंदुस्तानी का फ़र्ज़ है कि हम देश के लिए जितना टाइम दे सके, तन मन धन से सेवा करें। तो ये आपने सेवा में योगदान दिया है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आगे भी हम देश को जोड़ने के लिए, और जो प्रोग्राम बनेंगे हमारा, जो फ्रंट एंटी टेररिस्ट फ्रंट जो करेगा, आप यहाँ पे सहयोग देंगे। हम कॉलेजेस में जाते हैं, स्कूल्स में जाते हैं, बच्चों के साथ सेमिनार्स करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ भी आप आए, सहयोग दें, आपने अपने आइडियाज़ दें कि देश की सेवा आप कैसे कर सकते हैं। हर मेंबर, हर नागरिक जुड़े हमारे साथ, जॉइन हैंड्स अगेंस्ट टेररिज्म। तो अपने अपने आइडियाज़ आप दें कि देश को हम कैसे संभालें, और ये जो गुलदस्ता है, गुलदस्ता ऐसे ही बना रहे और कि इसकी खुशबू सारे वर्ल्ड में फैले, यही मैं कहना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।